हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर आपको किस तरह से देखते हैं, क्या है आप उनके लिए, ठीक है। हाउ दे सी यू, ये वाला हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले बता दूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज पे एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, और कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो भी डॉलर्स में आपको देने पड़ेंगे, बट बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है। कोई भी आप हैं तो भी पे कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं तो भी पे कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तान से जो हैं, ठीक है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे पड़ोसी हैं तो आपके लिए वही चार्जेस होंगे जो इंडिया में है, ठीक है। तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है। ओके, चलिए आज हमारी रीडिंग में चलते हैं हम, ठीक है। आज हमने टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर आपको किस तरह से देखते हैं, आप उनकी नज़रों में क्या हैं, ठीक है, ये हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अगेन ये जनरल रीडिंग है गाइस, आपसे जितना मैच हो उतना लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। हाउ दे सी यू, आपको किस तरह से देखते हो, क्या हो आप उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या हैं उनके लिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। हाउ दे सी यू, ओके, चेक कर लेते हैं। हाउ दे सी यू, ओके, कुछ कार्ड पलट के आए हैं, बहुत सारे हैं, बट मैं वन बाय वन लूँगी, ठीक है। यूएस कार्ड दीजिए। हाउ दे सी यू, थ्री कार्ड्स, ओके, मेरे पास अगेन फाइव कार्ड्स आए हैं। मैं इतने सारे नहीं लूँगी गाइस, ठीक है, हम डिफरेंट डेक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। यूएस गाइड कीजिए। हाउ दे सी यू, अगेन देखिए आप कितने सारे कार्ड आ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी शफलिंग अच्छी नहीं है, वाकई में ये कार्ड जो हैं काफ़ी ब्रॉड हैं, ये हाथ में नहीं आते और मेरे हाथ छोटे हैं। देखिए आप, चलिए। हाउ दे सी यू, सॉरी टू से बट मेरी वाकई में शफलिंग अच्छी नहीं है यार, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं, हॉस्टिलिटीज, सेवन चक्रा, ओके, और एक कार्ड ये वाला ले लेते हैं, वॉकिंग अवे, ओके। दूसरी डेक से भी देख लेते हैं हम। हाउ दे सी यू, ओके, हाउ दे सी यू, सरपेंट हमारे पास है, ठीक है, थ्री कार्ड्स लेंगे हम, ओके, टू, ये बहुत सारे कार्ड हैं। हाउ दे सी यू, ओके, कॉर्ड हमारे पास है, ठीक है, ओके, कैंडल, ठीक है, बॉटम में हमारे पास विजार्ड, ओके। चलिए गाइस, मैं बताने की कोशिश करती हूँ आपको, आप उनकी नज़रों में क्या हैं, ठीक है, फिर हम टैरो से भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो है आपके पार्टनर, आपको एक तरह से फाइटर मानते हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज़ पे गिव अप नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, नंबर 26, नंबर 41, नंबर 27, और यहाँ है नंबर 19, नंबर 30 एंड नंबर 4, आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, या फिर आप लोगों की एज हो सकती है, ठीक है। ये नंबर जो हैं आपको कहीं ना कहीं मैच होते होंगे, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर किसी की एज हो सकती है, लेकिन ये नंबर कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में जुड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर किस तरह से देखते हैं, तो आप उनके लिए एक वॉरियर हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ के लिए गिव अप नहीं करते, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे लव अफेयर वाली बात हो, चाहे किसी भी तरह की बात में आप गिव अप नहीं करते। सबसे बड़ी कैटेगरी आपकी यही है, एक कैटेगरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप कभी भी ज़िंदगी में गिव अप नहीं करेंगे, चाहे कितने ही बदलाव आए ज़िंदगी में,
आपके पार्टनर आपको ये देखते हैं कि आप हमेशा डिफेंसिव चलते हैं, डिफेंस करके चलते हैं, और डेफिनेटली आप फाइट करने के लिए भी रहते हैं, ठीक है। आप अलर्ट रहते हैं किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए, ठीक है। आप में वो पावर है। देखिए यहाँ पे क्राउन चक्र का कार्ड है, ठीक है, आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपके माइंड में जो चीज़ें हैं, जो दिशाएं, वो क्लियर रहती है, ठीक है। आप कभी कन्फ्यूजन में नहीं रहते। हाँ, कुछ वक्त में कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भी इंसान ही कोई भगवान नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर इस तरह से देखते हैं। आप मोस्टली चीज़ों में आप डिसीजन पावर बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है। डिसीजन लेने में आप हिचकिचाते नहीं हैं, निडर हैं, और हिम्मत और ताकत आप में। अगर आपको कहा जाए कि यस कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, तो आप उस जगह से वॉकआउट भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी मुझे यहाँ पे कह रही है कि अगर आपके पार्टनर इस तरह से देखते हैं कि अगर वो वैल्यू नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको पता है आपके माइंड में क्या करना है, आपको क्या किस दिशा में जाना है। यानी कि आप किसी के लिए रोते धोते नहीं हैं, आप डेफिनेटली अपना रास्ता चेंज कर लेंगे अगर आपके पार्टनर आपको वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। या किसी भी तरह से आप इंडिसीजन में हैं, या फिर कोई आपसे वाकई में दूर जाना चाहता है, तो आप उसे फोर्स नहीं करेंगे, आप डेफिनेटली कोई अलग रास्ता चुन लेंगे अपने लिए। लेकिन दुखी होने से बेहतर आपको लगता है कि कोई नया रास्ता चुने, ठीक है। इस तरह से मैं आपकी एनर्जी लग रही हूँ। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं, आपको काफ़ी मैच्योर और काफ़ी मतलब पावरफुल मानते हैं। आपके डिसीजन पावर और आपकी जो स्ट्रेंथ है, बहुत बहुत चीज़ों को समझने और सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है। इवन आप ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी को देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपके पार्टनर आप में देखते हैं, ठीक है। और क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए नंबर 19 का कार्ड है सरपेंट, ठीक है। आप एक तरह से ज़िंदगी के साथ बदलने की इच्छा रखते हैं। डेफिनेटली आप अगर किसी भी एज में हो, लेकिन आप वक्त के साथ चलते हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत से लोग अपनी पावर को खोते नहीं है। डेफिनेटली आपकी एज कुछ भी हो गई हो, आप उसी पावर में रहते हैं। अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, अपनी बॉडी को, अपने फिजिकल फिटनेस को बहुत अच्छे से रखते हैं। मुझे लगता है कि आप देखने में बहुत सुंदर हैं। और डेफिनेटली ये देखिए यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। आप कुछ ना कुछ ऐसा काम भी करते हैं जो आपको स्पिरिचुअली अवेकनिंग दे रहा है, यानी कि बहुत कुछ ऐसा भी करते हैं। ईश्वर को मानने वाले हो सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं करते आप ऐसा, तो मुझे लगता है कि इन दिनों आप बहुत ज़्यादा धार्मिक या कोई ऐसा रिचुअल कर रहे हैं जिससे कि आप में एक चमक आती जा रही है, ठीक है। जब आपको पता होगा, योगासन जो भी करते हैं या एक्सरसाइज जो करते हैं, प्राणायाम जो होता है, वो एक तरह से हमारी जो कहते हैं कि प्राणायाम से हमारे चेहरे में एक चमक आती है। आप भी फील करेंगे अगर आप प्राणायाम करते हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों के चेहरे में अजीब सी चमक होती है। तो मुझे लगता है कि इन दिनों आपके पार्टनर में ऐसी ही चमक आप देख रहे हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा अपने जीवन में सक्सेस पा रहे हैं, और डेफिनेटली इन्होंने किसी के लिए कोई इंतज़ार नहीं छोड़ा, यानी कि ये किसी के लिए इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया इनके लिए इंतज़ार करती है, ठीक है। उनमें से आप भी एक हो सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर इस तरह से देखते हैं कि आप अपने आप में खुश रहने वाले हैं, और आपको पता है कि आपको जीवन में क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्ड का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते जा रहे हो, यानी कि जो आपके दिल में है वो कम बताते हो, बल्कि दूसरों की ज़्यादा सुनते हो। और ये जो कम बोलने वाली जो ताकत है आप में, वो चीज़ों को समझने की शक्ति को बताता है। यानी कि हर तरह से आप हमेशा किसी भी चीज़ को समझने की शक्ति रखते हो। और डेफिनेटली आपके पार्टनर इसीलिए आपको एडमायर करते हैं कि बिना कहे भी आप उनकी बातों को समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। और जहाँ झूठ बोलते हैं आपके पार्टनर, वहाँ भी आप पकड़ लेते हो। इवन आपके पार्टनर भी कम नहीं है, वो झूठ बोलने बहुत सफाई से झूठ बोल जाते हैं, लेकिन आप उनको पकड़ते हैं, लेकिन आप बोलते नहीं होंगे। ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है, ठीक है। कैंडल का कार्ड यहाँ पे है, जो मुझे बता रहा है कि ये जो इंसान है, आपको इस तरह से देखते हैं कि आप हर चीज़ में एक उजाले को पसंद करते हैं, हर चीज़ में लाइटन, मतलब कहते हैं कि आप एक क्लियर माइंड सेट से हैं। यानी कि जो भी चीज़ करेंगे उसमें क्लियरिटी चाहिए, आपको सच्चाई पसंद है, आप सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपकी बहुत बहुत एडमायर करती है आपके पार्टनर को। तो हाउ दे सी यू एज अ परफेक्ट पार्टनर फॉर हिम और हर, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखते हैं। टैरो से भी हम देख लेते हैं कुछ बातें, ठीक है, आपको किस तरह से देखते हैं। अगर देखिए आपके पार्टनर ऐसे हैं कि आपसे वो प्यार तो बहुत करते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है इस कार्ड से, इन सब कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपको वो एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, प्यार भी है, लेकिन ये आपके लिए कभी रोना धोना नहीं करेंगे, ठीक है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर, अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको रोकेंगे नहीं, और आना चाहेंगे तो आपको एंटर भी करने देंगे, ठीक है। इनके एक लिमिटेशंस बना रखी, इन्होंने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी, उससे बाहर ना तो कोई इनको हर्ट कर सकता है, और ना ही इनको कोई मैनिपुलेशन कर सकता है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है आपकी। और डेफिनेटली कोई भी इश्यू हो आप लोगों में, कोई भी सिचुएशन चल रही हो, ये कभी भी आपको
कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे किसी बात के लिए, ठीक है। जो आप कर सकते हैं इनके लिए और जो ये कर सकते हैं वो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। ये एज ए पार्टनर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एज ए फ्रेंड आपको बहुत अच्छे फ्रेंड मानते हैं, ठीक है। ये एक लव में है आपके साथ, डेफिनेटली लव में है, लेकिन ये चीज़ें एक लिमिटेशंस और दायरे से करना चाहते हैं और ये आपको बेस्ट फ्रेंड के रूप में मानते हैं। इवन आपसे बहुत सी बातें ऐसे करते होंगे जो कि और किसी से करते ही नहीं, और आप भी मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी बातें इनसे डिस्कस करते हैं जो कि आज तक आपने किसी और से डिस्कस नहीं करी, ठीक है। आप चाहे ज़िंदगी में आपके कोई भी हो, चाहे आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो भी इनकी इनकी जो पर्सनैलिटी है या इनका जो कनेक्शन है आपसे बिल्कुल स्पेशल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्राउन चक्रा का कार्ड है, हमारे पास सरपेंट का कार्ड है, मतलब आप लोगों में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की शक्ति बहुत है। इवन जो भी मैटर है उसका हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको बहुत एज ए परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं, ठीक है। ये जो चाहते थे अपने पार्टनर में या जो अपने आप में खूबियां देखते थे वो आप में देखते हैं, ठीक है। इसीलिए आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिरर करते हैं और इसीलिए आप में प्यार बढ़ा है, ये भी मुझे यहाँ पे मालूम है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कई बार कि जो बातें मैं अपने आप में देखता था वो इसमें कैसे आ गई, ठीक है। या आपको ऐसा लगता होगा कि जिस तरह से आप इनके प्रति विचार रखते हैं और वही विचार ये कभी आपको बोलते होंगे तो इनको लगता है कि ऐसे विचार तो मैंने इनके लिए सोचा था, ये कैसे बोल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के विचार एक दूसरे से मिरर करते हैं, जिसके कारण कि आप एक दूसरे से डिफरेंसेस बहुत हैं आप में, जो बाहरी तौर पर देखें तो, लेकिन अंदरूनी तौर पर आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, ठीक है। ऐसे आपके पार्टनर सोचते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं टैरो से भी आपके पार्टनर कौन हैं और आपके पार्टनर किस तरह से आपको देखते हैं और क्या चीज़ें आप में। देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं सब अच्छा ही क्यों बता रही हूँ, ठीक है। देखिए मैं अच्छा तो बता रही हूँ लेकिन कुछ बुराइयाँ अगर मुझे दिखेगी तो वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है। मैं यहाँ पे पार्शलिटी नहीं कर रही हूँ, जो भी आपके पार्टनर देखते हैं आप में वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अभी मैं रेडी नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं लूँगी कार्ड्स। चलिए देखते हैं हाउ दे सी यू, यूएस कार्ड दीजिए। ओके चलिए हमारे पास देखिए, मैं अभी मिरर करने वाली एनर्जी को बता रही थी और हमारे पास टू ऑफ कप्स आ गया। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है। आपके इनका साइन हो सकता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टेन ऑफ सॉर्ड्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन सिक्स ऑफ कप सिक्स ऑफ पेंटिकल्स सॉरी, ठीक है। अब हिंदी में इनको क्या बोलते हैं मैं अभी बताती हूँ सोच के, ठीक है। वेट अ मिनट मैं कार्ड निकालूँ। एस ऑफ वॉन्स एरीज लियो सेजिटेरियस, देखिए हमारे पास सारे साइन आ चुके हैं, ऑल 12 साइन इस कार्ड इन कार्ड्स में है, ठीक है। एक लास्ट और लूँगी मैं, ठीक है। हाउ दिस सी यू यूनिवर्स कार्ड दीजिए, एक लास्ट कार्ड और चाहिए हमें। हाउ दिस सी यू, बहुत सारे कार्ड नहीं है सिर्फ एक कार्ड चाहिए। हाउ दिस सी यू, पेज ऑफ कप्स, ओके। बॉटम हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। देखिए मुझे यहाँ पे लगता है कि ओवरऑल हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, या आपको थोड़ा बहुत जिद्दी भी समझते हैं। अभी मैंने नेगेटिविटी की बात करी और आप में जो कमियाँ हैं वो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छाइयाँ मैंने बता दी, आप कुछ कमियाँ भी सुन लीजिए आपकी, ठीक है। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, किसी बात के लिए अगर आपको मनाया जाए तो अपने अपने ढंग से करते हो आप काम, ठीक है। किसी की सुनते नहीं हो, आप जिद्दी हो, ठीक है। ये देखिए आपको ये भर भर के प्यार करते हैं, एक्चुअली इनके मन में आपके लिए रेस्पेक्ट भी है और प्यार भी है। ये डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गिफ्ट देने की सोचें, इवन यहाँ पे करंट एनर्जीज भी है और आपको कैसे देखते हैं वो भी है, ठीक है। दोनों बातें मैं इसमें बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने इस हिसाब से निकाले हैं कार्ड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई गिफ्ट थोड़े दिन में आपके पास आने वाली है, या आपको कोई गिफ्ट देने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपसे मिलना चाहते हैं और ये मिरर एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एक तो आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि आपकी तरह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ठीक है। आपके सक्सेस को देख के कहीं ना कहीं ये भी तौबा तौबा कर जाते हैं कि आपने इतनी जल्दी कितनी सक्सेस पाई है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें जिस हाथ, जैसे कहते हैं ना कि जिस पे हाथ डालो वही चीज़ सोना बन जाती है, इस तरह से आपको देखते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये अपने
दुखों का आप अंत करके आप ही के एनर्जी में चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और आप किसी भी काम को लगन से करते हैं। तो उसी तरह मुझे लगता है कि इनके जीवन में बहुत सारी एंडिंग्स हुई हैं, बहुत कुछ देखा है इन्होंने जीवन में, लेकिन जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं ये दुख कम होते जा रहे हैं। आप नोटिस करते होंगे कि आपकी ज़िंदगी में जब से आपका कनेक्शन जितना भी मुझे लगता है किसी किसी का तो 6 साल है, किसी किसी का मुझे लगता है 2 साल हैं, लेकिन जितने भी ईयर्स आपके रिलेशनशिप को हुए हैं आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए हैं ये कुछ और बदल गए हैं। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा और ये खुद भी नोटिस करते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो इन्होंने ये सोचा है आपके लिए कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो आपने बहुत कुछ सिखा है इनको। ठीक है, एज ए टीचर, एज ए दोस्त, एज ए लवर, जो भी कहें आप, जो बातें करते हैं, जो रियलिटी वाली बातें करते हैं, जो सच्चाई की बातें करते हैं, वो इनको वाकई में अब सच लगने लगी है। ठीक है, ये अपने दुखों का अब अंत करके, एक्चुअली ये जो है अपनी ज़िंदगी से डिसअपॉइंटमेंट थे, पहले डिसअपॉइंट थे अपनी ज़िंदगी से, कुछ निराशा थी, कुछ एंडिंग्स हुई थी, तो उससे बाहर निकलना चाहते थे। आपकी एनर्जी इनको और ज़्यादा मजबूत करती चली गई और डेफिनेटली अब ये उस मुकाम पे हैं जब ये आपको बहुत पसंद करते हैं और आपकी रेस्पेक्ट भी इनकी आंखों में बहुत है, क्योंकि इनको लगता था कि ये कभी भी आपको अप्रोच नहीं करेंगे, लेकिन आपने जब इनको अप्रोच किया, यानी कि कोई भी प्रपोज़ल दिया या फिर इन्होंने कोई प्रपोज़ल दिया आपको, तो डेफिनेटली इनका एक्सेप्ट करना आपको नहीं लगता था कि आपको एक्सेप्ट करोगे, सॉरी। तो ये चीज़ें इनको इसीलिए बहुत अच्छी लगती है कि आपने छोटा बड़ा नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि ये इंसान कितना मुझसे कनेक्ट है। ठीक है, इस तरह की बातें, यानी कि आपने, चाहे ये आपके लायक हैं नहीं हैं ये बात दूसरी है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ इंसान को देखा। ठीक है, और ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है। इनकी आप गलतियाँ जानते हैं, इनका आप ऊँच नीच यानी कि स्टैंडर्ड भी जानते हैं, इनकी बातों को समझते हैं, लेकिन आप कभी भी इस बारे में डिस्कस ही नहीं करते हैं कि आप कितना कमाते हैं, आपके क्या है, आपका लेवल कितना है, ये चीज़ें आप डिस्कस करते ही नहीं, और ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया लगती है। ठीक है, अगर कहाँ भी होगा तो बहुत ही बहुत रेयर का होगा, इवन आप नॉर्मली पूछते हैं कैसा चल रहा है सब कुछ, बिजनेस कैसा चल रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पे मुझे ये बातें, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप किसी मतलब से नहीं बल्कि निस्वार्थ इनसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये निस्वार्थ वाली भावनाएं मुझे यहाँ भी दिख रही है, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और आपको भी जानते हैं कि आप अगर ये एक करेंगे तो आप 4 इनके लिए करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर सोचते हैं आपके लिए, हाउ दे सी यू। तो डेफिनेटली आप ऐसे इंसान हैं कि अगर आपके लिए कोई एक करता है तो आप 4 काम उसके लिए करते हैं। ठीक है, तो आप गिवर हो गए, एक तरह से आप गिवर हो गए। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे अर्थ एनर्जी बहुत मजबूत लग रही है, मुझे जिनके बारे में आप, हाउ दे सी यू, तो आप अर्थ एनर्जी वाले ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। ठीक है, जिनके बारे में मैं बता रही हूँ वो अर्थ एनर्जी वाले, यानी कि मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं वो अर्थ एनर्जी वाले हो सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइएगा क्या आपके पार्टनर अर्थ साइन के हैं क्या। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत से, देखिए साइन कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे हाउ दे सी यू देख रहे हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपके पार्टनर जो अर्थ साइन वाले होते हैं गिवर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं उसको, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो मुझे यहाँ पे वही एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, नो मैटर आप उसकी वर्दी हैं या नहीं वर्दी, लेकिन आपको वो रेस्पेक्ट और प्यार बिल्कुल इक्वल देते हैं। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे हो रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, और ये आपको उन दुखों से बाहर ला रहे हैं जो कि आपने कभी ज़िंदगी में झेले। ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब इनके साथ नए स्टार्ट हुआ है तब से आप खुश रहने लगे। मुझे लगता है जीवन में पॉजिटिविटी लाने वाले यही इंसान है आपके। ठीक है, तो हाउ दे सी यू, ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। ये इस तरह से नहीं कि प्यार का ऑफ़र है, चाहे इनिशिएट हो थोड़ी दिन के लिए, मतलब ये छोटा ही ऑफ़र चाहे दें आपको। ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या दें, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास गिफ्ट आने वाला है ऐसा मुझे बार बार, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है बार बार। कोई डेट हो सकती है, कोई प्रपोज़ल हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो कि इनकी तरफ से होगी। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और आपके लिए बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ आने वाली है इनकी तरफ से। तो ये मैंने बताया कि आपके पार्टनर आपको किस तरह से देखते हैं। ठीक है, आपसे अगर मैच होता है तो सबसे पहले लाइक बनता है और डेफिनेटली सब्सक्राइब करना भी बनता है। ठीक है, तो उसको मत भूलिएगा। मैं इनके कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ गाइज। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप किस तरह के हैं, लेकिन आपसे कहना क्या चाहते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे साइन हैं आज। ठीक है, कोई स्पेशल साइन मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। ठीक है, अर्थ एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है, बट कोई भी साइन हो सकता है। ठीक है, चलिए बहुत सारे आज मैंने वो लिए हैं मैसेजेस, और कुछ एट्रीब्यूट्स पहले ले लेती हूँ मैं। ठीक है, आपके पार्टनर किस तरह के हो सकते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी मैच हुई। ठीक है, और मेरी मंथली रीडिंग गाइज मैं बारी बारी से अपलोड कर रही हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए, आपका साइन भी ज़रूर आएगा। ठीक है,
चलिए एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं, आपके पार्टनर कौन हो सकते हैं। एरीज लियो सजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, हमारे पास कंफर्मेशन आ गया। परफेक्ट फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हैं, आपको लगता होगा, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, साइन बहुत आ रहे हैं आज, ठीक है। फेयर लॉन्ग हैंडसम, वाओ, यहाँ पे है ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हैं आप लोगों में, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी, ब्लैक आइज ब्लैक हेयर इनके हो सकते हैं, और ये हमारे पास है मेडिकल फील्ड, ठीक है। ये आपके कुछ पार्टनर के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। गाइज अगर बाहर से नॉइज़ आ रही तो सॉरी, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है बाहर की तरफ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, प्लीज़ इग्नोर इट। चलिए देखते हैं आगे आपके मैसेज क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला मैसेज है रोती हूँ याद करके, तो आपको कोई रोता है याद करके, फीमेल, ठीक है। तेरी आँखें मुझे तेरी ओर खींचती है, ओके, आपकी आँखें इनको अट्रैक्ट करती है। दिल दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, जब भी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कोई वाकई में इस तरह से आपसे बातें कर रहा है। फीलिंग सैड, तो कुछ ना कुछ सैड फीलिंग्स इनकी है अभी अभी, ठीक है। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड 24/7, ओके। शिव पार्वती आपकी जोड़ी हो सकती है। आई सी द होल वर्ल्ड इन योर आइज़, ओके। आई वॉन्ट यू एंड लव यू एज यू आर, जिस तरह से आप हैं, जिस तरह के आप हो, उस तरह से आपको ये चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, तो आपसे भगवान के लिए प्रार्थना करें, प्यार देना चाहता हूँ तुमको, ओके, आई लव यू। तो ये बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या बात है। फ्रेंडशिप लीड्स टू लव, तो आपकी फ्रेंडशिप कोई प्यार में बदलने वाली है। यू आर माई नंबर वन प्रायोरिटी इन माई लाइफ, तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आई वॉज डेस्टाइन टू बी विद यू, इनको लगता है कि डेस्टिनी ने आपको मिलाया है। तुम सबसे अलग हो, यस, आप सबसे अलग हैं। जस्ट से यस वंस, एक बार इनको यस कहिए, ये शायद आपके लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। तेरी बातों में भी नशा है, आपकी बातों में नशा है, वेरी गुड। ट्रू लव, बिल्कुल ट्रू लव हो सकता है आपका। तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है गाइस। ये जो पुराने सॉन्ग जो होते हैं ना, जब भी ये सुनते हैं ना, तो इनका इनकी जो लिरिक्स और इनके जो म्यूज़िक होते हैं बहुत दिल को छू जाते हैं, आप भी देखिएगा, ठीक है। समा ये सुहाना, अकेले तुम हो अकेले हम हैं, मुझे लगता है ये आपको अकेले में मिलना चाहते हैं। योर मेमोरीज हर्ट, कई बार आपकी मेमोरीज हर्ट करती हैं इनको, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, बहुत ज़्यादा जल्दी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी दुनिया में। डू नॉट फॉरगेट मी, आप इनको मत भूलिए, ये कहना चाहते हैं। तो ये थे आपके कुछ मैसेजेस, आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बनता है गाइज, ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।